प्रोफेशनली मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोफेशनली मैं फुटबॉल कोच था, मैंने डिप्लोमा किया है NSNIS पटियाला से। देन आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्पोर्ट्स काउंसिल, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब था, मैंने छोड़ दिया वो सब, आके मैं शीप फार्मिंग में आ गया। तो उसके बाद मैं टूर एंड ट्रैवल में आ गया, उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर भी रहा कुछ टाइम, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। तो जो मेरा शीप फार्म है वहाँ भी 2-3 लड़के काम कर रहे हैं, और जो ये नया इनिशिएटिव मैंने लिया डॉग एंड हिल्स हाई डेंसिटी एप्पल एंड फ्लावर नर्सरी, तो यहाँ भी 8-9 लड़के काम कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसके पीछे मत दौड़ो, कुछ नया खुद ही करो, कि ऐसी चीज़ करो कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाए। ये वैरायटी हमने यूरोप से, इटली से, टर्की से मंगाई है, जिसमें जैसे कि M111 है, M09 है, 106 है रूट स्टॉक पे, तो ये इम्पोर्टेड रूट स्टॉक हैं, जिसमें किंग रॉट हैं, जेरोमाइन है, मेमा गाला है, मेमा मास्टर हैं, तो ग्रैनी स्मिथ हैं। तो हमने बहुत सारी वैरायटीज़ लाई हैं, जैसे स्टोन फ्रूट में हमने नेक्ट्रेन है, ग्रीस स्टार है, ब्लैक अम्बर हैं, हमने जैसे किवी हैं, एलिसन हेवर्ड से हमने मंगाया, एलिसन हेवर्ड हैं, हमने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जो भी एक फार्मर चाहता है वो हमने यहाँ मुहैया रखी है, रखा है। जो हमने प्लांट्स लाए हैं ये इनमें ऑलरेडी 6-8 फेदर्स हैं, ये पहले ही साल आपको सैंपल देगा, तो ये उतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, जैसे कि हम भी वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हमें हमारा ताल्लुक भी रहा है अब 8-10 साल से हॉर्टिकल्चर को लेके, या एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर को लेके, हमें भी बहुत एक्सपीरियंस है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, और उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़बरदस्त नहीं होती है कि जितनी मेहनत एक आम फार्मर बेचारा करता है, उसके बाद उसका आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो मेहनत तो बहुत पूरे साल एक ज़मींदार करता है, तो उसके बाद इनकम ज़ीरो होती है। तो ये जो प्रोडक्ट हमने, ये जो हमने प्लांट्स लाए हैं, ये एक हाई क्वालिटी प्लांट्स हैं, इसमें आपको पहले ही साल सैंपल मिलेगा, दूसरे साल आपको फुल ब्लूम के साथ फ्रूट मिलेगा। तो जो भी इनकी रेट्स हैं, ये तो और अर्ली वैरायटी है, इनकी रेट्स ज़बरदस्त होती है, और ये कुछ बॉक्स में कुछ ही दाने जाते हैं, 34 दाने जाते हैं, उसमें वो डब्बा 1,200 का जाता है। तो हमारी यही मैसेज है कि लोगों से, कि आम फार्मर से, जो ओल्ड प्रैक्टिस हैं उसको आप बंद कीजिए, नई प्रैक्टिस में आ जाइए, कि नया स्टार्ट कीजिए, और उतनी मेहनत भी कम है और फ़ायदा भी बहुत है। Audio Jungle.